क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने में बहुत दर्द होता है? नहीं। क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ बुजुर्गों के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी आने में क्या बहुत टाइम लगता है? नहीं। क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रिस्की सर्जरी है? बिल्कुल नहीं। मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, तो क्या मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकता हूँ? हमने 94 साल तक किया है। क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के बाद कुछ सालों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है? अच्छी तरह से किया हुआ 25-30 सालों तक चलता है। नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता हूँ? लोग पालीताना भी चढ़ते हैं। क्या पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट से अच्छा होता है? दोनों अलग जगहों पे यूज होता है। अगर मेरे जॉइंट रिप्लेसमेंट के 25 साल हो गए हो, तो क्या मैं फिर से नहीं करवा सकता हूँ? 5 बार हो सकता है। आप समझ ही गए होंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर मैं काफी सारे सवाल लेकर आया हूँ, और वो हर एक प्रश्न के जवाब आपको जानने हैं, तो ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात को मैं आपका स्वागत है, मेरा नाम है गूंज ठक्कर, और आप समझ ही गए होंगे कि जोड़ों के रिप्लेसमेंट को लेकर काफी सारे सवाल है मुझे, और वो सवाल पूछने मैं आ गया हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में, जो शेल्बी हॉस्पिटल के इंडिया में 15 हॉस्पिटल है ऑलरेडी। शेल्बी हॉस्पिटल में 1,40,000 जितने जोड़ों का रिप्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें से 1,25,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं डॉक्टर विक्रम शाह सर ने। थैंक यू सो मच सर, आप हर एक सवालों के हमें जवाब देंगे, आपने हमें समय दिया है। डॉक्टर विक्रम शाह, दुनिया भर में जो लोग थक चुके हैं, जिनके जोड़ रिप्लेस नहीं होते हैं या फिर उन्हें कोई समस्या रहती है, वो लोग डॉक्टर विक्रम शाह के पास आते हैं। वैसे ही आज मैं आया हूँ काफी सारे सवाल पूछने। सर, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जोड़ को बदलने की जरूरत कब आती है? जैसे आंखों में मोतियाबिंद आता है और दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इसलिए डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि टाइम लेकर मोतियाबिंद उतार कर नया लेंस रखवा दो। वैसे ही जब घुटनों में घर्षण बढ़ जाता है, मरीजों से ज्यादा चला ना जाए, लंबे समय के लिए खड़ा ना रहा जाए, सीढ़ियां चढ़ने में ज्यादा तकलीफ पड़े, वो स्टेज पर हम मरीजों को कहते हैं कि अपनी सुविधा के हिसाब से रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, तो फिर से 10-20 साल पहले जैसे जिंदगी जीते थे वैसे जी सकोगे। तो सर, जोड़ों के रिप्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है? पेशेंट जब आते हैं और हम एक्सरे करवा कर देखते हैं और हमें लगता है कि घर्षण काफी है और हमें काम करना पड़ेगा, तब हम मरीजों से कहते हैं कि आपको ये तकलीफ है और ये तकलीफ का समाधान सर्जरी द्वारा पॉसिबल है। मरीज अपने रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श करके इंश्योरेंस हो तो इस हिसाब से डेट लेते हैं और एडमिट होते हैं। दूसरे दिन ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद 3-4 घंटों में चलने लगते हैं, दूसरे दिन सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगते हैं, और तीसरे दिन को अपने घर चले जाते हैं। ऑपरेशन की प्रोसेस क्या होती है? ऑपरेशन की प्रोसेस में जो घुटने का जोड़ होता है उसमें फ्रंट में से इंसिशन रखते हैं, और सर्जरी लगभग हम 0 टेक्निक से करते हैं, इसलिए 15-20 मिनट चलती है, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रूम में शिफ्ट करते हैं और 3-4 घंटे में वो चलने लगते हैं। सर, आपने जो 0 टेक्निक की बात की, वो 0 टेक्निक क्या होती है? 0 टेक्निक यानी हमने नाम दिया है जो हमारी सर्जिकल टेक्निक है उसकी, और नाम 0 इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग अप्रोच इज 0। मतलब जो 2 घंटे होते थे वो अब 15 मिनट में होता है, बहुत पेन होता था अब ना के बराबर पेन होता है, अजीबोगरीब ट्यूब्स डालनी पड़ती थी वो बिल्कुल ट्यूब्स डालना बंद हो गया, और सर्जरी में जो कटाई होती थी उसका भी प्रमाण एकदम कम हो गया, बोन कट होता था उसका प्रमाण कम हो गया, कट की साइज जो पहले 8 या 10 इंच होती थी वो 6 या 4 इंच हो गई, वो है 0 टेक्निक। अब सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट यानी हमने कोई चीज बदली, तो जब रिप्लेसमेंट होता है तो क्या निकालते हैं और क्या लगाते हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट में नी जॉइंट हो या हिप जॉइंट हो या शोल्डर जॉइंट हो, तो उसमें जो कार्टिलेज का हिस्सा होता है जो घिस गया होता है उसे दूर करना पड़ता है। जरूरत ना हो ऐसे लिगामेंट के जो स्ट्रेच हो गए हैं या शॉर्ट हो जाते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, लिगामेंट्स का बैलेंसिंग किया जाता है, और फिर नी जॉइंट में ज्यादातर सीमेंट वाले जोड़ बिठाए जाते हैं, हिप जॉइंट में ज्यादातर बिना सीमेंट वाले जोड़ बिठाए जाते हैं, और शोल्डर में ज्यादातर सीमेंट वाले जोड़ बिठाए जाते हैं। तो एक बार सर्जरी हो जाती है उसके बाद रिकवरी टाइम कितना होता है? सर्जरी हो जाए उसके बाद में रिकवरी में अगर घुटनों की बात करें तो
पेशेंट 3-4 घंटों में चलने लगता है, दूसरे दिन को सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगता है और तीसरे दिन को घर जा सकता है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो पेशेंट उसी दिन को चलने लगता है, तीसरे चौथे दिन सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगता है और 1 हफ्ते में घर जा सकता है। दोनों केस में लगभग 3 हफ्तों के आजू बाजू मरीज गाड़ी चलाने या स्कूटर चलाने लगता है। फास्ट है ये रिकवरी टाइम? हाँ, मतलब एक ज़माने में 15 दिन तक तो पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहते थे, एक ज़माने में 2 महीने तक गाड़ियाँ नहीं चलाने देते थे। अब बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से हुआ है। एक बार रिप्लेस हो जाए फिर जॉइंट की लाइफ कितनी होती है? जॉइंट की लाइफ का ऐसा है कि हमारे किए हुए 25 साल 28 साल पहले किए हुए जॉइंट्स अभी भी चल रहे हैं। वो जॉइंट्स तो बने थे एम्बेसडर फियाट के टाइम पे, वो भी अभी चल रहे हैं। जॉइंट की लाइफ नहीं होती, सर्जन कौन है उस पर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है। अगर सर्जन का एक्सपीरियंस कम है, स्किल लेवल इज़ नॉट अप टू द पार, तो 2-5 सालों में पेशेंट्स को वापस भी आना पड़ता है। इसलिए सर्जरी कैसी हुई है, कौन सा जॉइंट डाला है, उसके बजाय सर्जरी किसने की है, कहाँ की है, कैसे माहौल में की असिस्टेंट है। क्योंकि सी, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी का काम है, इट इज़ अ टीम वर्क। इसलिए आपके असिस्टेंट की क्वालिटी कैसी है, आपके एसोसिएट्स जो साथ में हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, जिस वजह से टिश्यू बैलेंसिंग, सीमेंटिंग, वो सब की क्वालिटी अगर सुपीरियर हो तो 25-30 सालों तक कुछ नहीं होता। हमारे किए हुए 25-30 सालों से पेशेंट्स घूम रहे हैं। कौन नहीं करवा सकता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई भी मरीज में हो सकता है। हमने अभी तक ना बोला हो वैसा कोई मरीज मुझे याद नहीं है। अब पोलियो के केस में भी, दुनिया की जो सबसे बड़ी सीरीज है, जो पोलियो के केस में भी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज है, सिर्फ एक जगह पे हम ना बोलते हैं। जब फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट हमें कहें कि भाई बहुत रिस्क है, इनका हार्ट काफ़ी ख़राब है, फेफड़े काफ़ी ख़राब है, तब हम कहते हैं कि मेडिकल डॉक्टर ना बोले तो हम नहीं कर सकते हैं। सर, एक बार मेरी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाए उसके बाद मुझे कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है? नी जॉइंट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अवॉइड करने जैसी चीज़ें हैं ज़मीन पर बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, जो ना करो तो अच्छा है, जिसकी वजह से वो आपको लंबे समय तक सर्विस देता है। कई बार काफ़ी मरीज मुझे पूछते भी हैं कि सर अभी वो नए जोड़ आए हैं ज़मीन पर बैठ सके वैसे, तब मुझे कहना पड़ता है कि ज़मीन पर बैठ सके वैसे जोड़ नहीं होते, पालती मार कर बैठ सके वैसे होते हैं। और वो सर्जन की स्किल पर डिपेंड करता है, वो जोड़ों का फल नहीं है, वो सर्जन की कौशल का फल है। लेकिन जब गाड़ी की कंपनी वाला ऐसे नहीं बोलते कि जंगल में मत ले जाओ, लेकिन तुम ही नहीं ले जाते, क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से रखोगे तभी गाड़ी लंबी चलेगी। वैसे आपके जोड़ों को अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो लंबे चलेंगे। इसके सिवाय दूसरी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। सर, पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में काफी सुना है, वो क्या होता है? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अलग अलग नाम से अलग अलग डॉक्टर बुलाते हैं, उसको यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, UKR भी कहते हैं, कुछ लोग आर्थोप्लास्टी भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नई सर्जरी नहीं है। मैं ये सर्जरी 23 सालों से कर रहा हूँ। मैंने पहला ऑपरेशन 1999 में किया था, लेकिन ये जो सर्जरी है उसमें पहले मैं जोड़ों की माहिती दूंगा। घुटने का जो जोड़ होता है वो 3 हिस्सों में होता है, अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा और पटेला का हिस्सा। 3 हिस्सों में घुटने का जोड़ होता है। आप जो UKR या आर्थोप्लास्टी करवाते हैं उसमें घुटने का एक ही हिस्सा बदलता है, बाकी वही का वही रहता है। इसलिए UKR या आर्थोप्लास्टी करने का इंडिकेशन लिमिटेड होता है, हर एक केस में नहीं हो सकता। और अगर आप हर एक केस में डालने जाओगे तो मरीज 2-5 सालों में वापस आते हैं, जब दूसरा हिस्सा खराब हो जाता है तब खोलकर पूरा करना पड़ता है। इसलिए लगभग 1000 से 1500 केस में 23 सालों में किए हैं, और वो सब 20 साल 15 साल या 10 साल से किए हैं और सब चल रहे हैं, क्योंकि कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हमने सिलेक्टेड केस में किया है। अब लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी सारे सर्जन ये करने लगे हैं और वो हर एक केस में करते हैं, और जिसकी वजह से 6-12 महीनों में या 2 सालों में मरीज वापस आता है और उनको पूरा करना पड़ता है। इसलिए मरीज को UKR या आर्थोप्लास्टी की सलाह दी जाती है।
तो दूसरे दो तीन डॉक्टर्स का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। काफी अच्छा ऑपरेशन है, लेकिन सिलेक्ट किए गए केस में, सारे केस में नहीं। समझ गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि आप अपने जोड़ों का ध्यान कैसे रखते हैं? मैं जोड़ों को संभालने के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन काफी चीजें मैं नहीं करता। मैं जमीन पर नहीं बैठता, इंडियन टाइप का टॉयलेट यूज नहीं करता। मुझे जोड़ों में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी तकलीफ हो तो लंबे समय के लिए खड़ा नहीं रहना चाहिए। एक्टिव स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल या फास्ट बॉलिंग करनी, वो थोड़ी तकलीफ शुरू होने के बाद और आप 45-50 साल से ऊपर हो जाए तो वो टाइप के स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेना चाहिए। आपको लाइट स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए तो उसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, इतनी चीजों को जरूर करना चाहिए। पांव के जूते चमड़े के नहीं पर रबर के सॉफ्ट होने चाहिए, जिससे घुटनों पे झटके कम आए, क्योंकि सारे सरफेस अब सॉफ्ट हो गए हैं। यानी आपको हिप या नी का आर्थराइटिस हो तो जितना सॉफ्ट पहनोगे उतना इजी रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया, सारे सवालों का जवाब दिया। अगर मैं कोई सवाल पूछना भूल गया हूं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। हम आए थे शेल्बी हॉस्पिटल डॉक्टर विक्रम शाह के साथ ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए। एक बात कहूं, देखते रहना, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।